हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल इंडेक्स में कहाँ ट्रेड और कल के लिए लेवल्स क्या है। मंथली एनालिसिस करेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो रिसेंट मंथ जो क्लोजिंग हुआ है अभी बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये मंथ में सेलर के कंट्रोल में था मार्केट, सेलर ज़्यादा एक्टिव थे। तो प्रीवियसली हम लोग देखेंगे अभी कि मार्केट ये लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, तो ये लेवल्स मार्क करता हूँ मैं पहले, राइट। तो ये जो पहले कोरोना के पहले का जो रेजिस्टेंस था, अभी मार्केट वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे पहले भी ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है मार्केट। यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्रैल 2021 में यहाँ पे सपोर्ट लिया था और वहाँ से फॉलो अप बाइंग हमको देखने को मिली थी। उसके बाद में वापस फिर से ये लेवल टेस्ट हुए, वापस सपोर्ट लिया, वापस एक बाउंस हुआ, थर्ड टाइम आया, थर्ड टाइम वापस से लास्ट मंथ में हमको यहाँ पे बाइंग देखने को मिले। रिसेंट मंथ क्लोजिंग जो है अभी जून का, तो यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है कि वापस से एक थोड़ा सा बायर को रिलीफ से, बट एक डिफरेंट चीज हुई यहाँ पे कि पिछले 5-7 महीनों में हम लोग देखे हैं तो एक साइडवेज रेंज में बैंक निफ्टी था। लास्ट 3 मंथ देखे और डिटेल, तो हम लोगों ने देखा कि नीचे आया मार्केट, मार्केट के बाद में बैंक निफ्टी नीचे आया, नीचे से लोअर लेवल रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ से बाउंस हुआ। ये बाउंस एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑलरेडी टेस्ट था, सेकंड टाइम शार्प मूव देखने को मिलता है हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, जो कि हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में फॉलो अप बाइंग भी आई यहाँ पे, बट फॉलो अप बाइंग जो देखने को मिली तो यहाँ पे टिक नहीं पाए, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ, अपर लेवल रिजेक्शन देखने को मिला। नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ तो देखा हमने कि वापस से जहाँ से सेलिंग का रिएक्शन था वो फॉलो अप आते हुआ नीचे में आया मार्केट, नीचे में भी टिक नहीं पाया। तो लास्ट 3-4 मंथ से हमने देखा कि एक ही रेंज में क्लोजिंग हो रहा था, बायर्स ऊपर में सक्सेड नहीं हो पा रहे थे, सेलर नीचे में सक्सेड नहीं हो पा रहे थे। बस ये जो मंथ क्लोज देखा हमने कि यहाँ पे सेलर्स सक्सेड होते हुए नजर आए, एक ट्रेंड हमको देखने को मिला डाउन साइड में। तो यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे से रिजेक्शन आ रहा था वहीं पे सीधा क्लोज हुआ है, तो ये मार्केट के लिए निगेटिव सेंटिमेंट है। ऑलरेडी सपोर्ट 4 टाइम टेस्ट हो चुका है, ये सपोर्ट वीक हो चुका है अभी, तो बैंक निफ्टी अगर ट्राई करेगा वापस सेकंड टाइम नीचे अभी के लिए, तो ये इजीली ब्रेक कर सकता है। नीचे अगर ब्रेक करेगा ये, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट उसके लिए निकल के आता है वापस से, मंथली सपोर्ट है 30,800 के आसपास और वहाँ से 30,000 के हमारे डाउन साइड टारगेट हो गया। अब वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, हम लोग वो आगे एनालिसिस में देखेंगे। जैसे जैसे लेवल ब्रेक कर रहा है, जैसे जैसे मार्केट डायरेक्शन ले रहा है, वो अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करके ट्रेड लेवल्स निकालेंगे। वीकली चार्ट हम लोग देखें अगर, तो वीकली चार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे एक लास्ट वीक में एक बुलिश पैटर्न बना था, बुलिश आरामी पैटर्न बना था और वहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला नेक्स्ट मंथ, बट वो टिक नहीं पाया और नीचे आया। रिसेंट देखें हम लोग तो नीचे से लोअर लेवल रिजेक्शन है, एक स्ट्रगल कर रहा है सपोर्ट लेवल पे, बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। और प्रीवियसली हम लोग देखें कि जहाँ से अब सेलिंग शुरू हुआ है वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि सेलर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट में, नया हाई तो नहीं बन रहा है बट नया लो हमको बनते नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक लो बना, लो से वापस से एक बाउंस देखने को मिला, अच्छा खासा बाउंस आया, बाउंस के बाद वापस एक हाई बना, इन्होंने प्रीवियस हाई जो था वो ब्रेक नहीं किया, बट वहाँ से वापस लो बना तो लो सीधा नीचे में बना यहाँ पे, जो कि प्रीवियस लो यहाँ से हमको ब्रेक होते हुए नजर आया, सेलर एग्रेसिव थे। वापस एक बाउंस देखने को मिला हमको, बाउंस था बट इन्होंने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, हर बाउंस पे हमको सेलिंग नज़र आ रही है। वहाँ से हमने देखा कि मार्केट नीचे आया तो प्रीवियस लोज टेस्ट हुए, प्रीवियस लो तक लेके आया, बट बाउंस वापस जो बाउंस आया वो प्रीवियस हाई तक आया क्या? नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है कि हर बाउंस पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। और वापस से अगर यहाँ से देखो हमको बाउंस देखने को मिल रहा है, तो क्या हो रहा है कि सेलर जो है, बायर्स जो है, वो पोजीशंस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेम लेवल से बाउंस कर रहे हैं, बट सेलर जो है एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, हर लेवल से हमको सेलिंग नज़र आ रही है, हर बाउंस से हमको सेलिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि ये जो बाउंस आने वाला है, यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है फिलहाल, होगा तो हम लोग वो अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। जैसे जैसे लेवल ब्रेक हो रहे हैं, मार्केट डिसाइड करेगा कहाँ जाना है, तो वो अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे आगे का। तो अभी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है,
बाउंस आ सकता है, एक स्ट्रगल कर रहा है मार्केट, बट एक नैरोइंग रेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं हाई देखेंगे हम लोग, प्रीवियस स्विंग हाई, तो ये नीचे नीचे आ रहे हैं, एक नैरोइंग हो रहा है। अगर ये वापस से ये आने वाले हफ्ते में ब्रेक कर रहा है, क्लोज देने की कोशिश कर रहा है, तो समझो एक आधा वीक और पॉजिटिव हो सकता है, वहाँ से फिर से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है 35,000, 35,450 के पास से, आसपास से, अगर ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो। एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, हर नैरो हो रही रेंज, और नैरो के बाद में अभी एक दो हफ्तों में हमको रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि एक डायरेक्शनल मूव ले सकता है या फिर एक नई रेंज बनानी पड़ेगी मार्केट के लिए। वो रेंज फिर हो सकती है कि ये रेंज हो यहाँ से, कि ऊपर में क्राइटेरिया कर ले मार्केट की, ऊपर में 36,000 और नीचे में 32,800, 33,000, तो वो हमको देखना पड़ेगा। अगर साइडवेज के मूड में है मार्केट तो एक नई रेंज बना लेगा, नहीं तो फिर डायरेक्शन हमको देखने को मिल सकता है एज पर मंथली चार्ट। डेली चार्ट हम लोग देखें तो और भी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रीवियस वीडियोज जो थे, हम लोग हर रोज ये लेवल डिस्कस कर रहे हैं कि इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट एक ट्रेंड ले सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है, तो ये 33,700, 750, 800 के पास रेजिस्टेंस जोन है। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, अभी लास्ट टाइम इसके ऊपर निकला था बट टिक नहीं पाया, एक शार्प जहाँ से ओपनिंग की वहीं से हमको फॉल्स सेलिंग देखने को मिली, कंटिन्यूसली वापस ये रेंज में आके ट्रेड करने लगा। यहाँ पे हमने देखा कि एक ट्रेंडिंग, एक नैरोइंग मार्केट है, ऐसे सिनारियों में क्या होता है कि एक बॉटम बनाने के बाद में अच्छी खासी हमको बाइंग देखने को मिलती है, बट बिकॉज ऑफ एक नैरो रेंज में घूम रहा है मार्केट, इंडिसीजन है, वीकली और मंथली वीक है, तो यहाँ पे डेली थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इट्स मीन्स क्या होता है कि सिर्फ ऊपर जाएगा भले ही, तो बाउंस के लिए जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे बाउंस पहले भी आ चुका है, यहाँ पे हमने देखा पहले बाउंस कि एक कंसोलिडेशन हुआ अच्छा खासा, और एक प्रॉपर ब्रेकआउट भी हुआ कंसोलिडेशन के पहले, उसका सस्टेन भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में हमने देखा कि अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद में सस्टेन नहीं हुआ, ये एक नीचे आ गया, तो ये ब्रेकआउट फेल गया और कंसोलिडेशन का नया लो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि प्रीवियसली नया लो बना, बट रिसेंटली सपोर्ट था, पास में सपोर्ट था, इसलिए फॉलो अप सेलिंग नहीं आया। अदरवाइज ये ब्रेकआउट फेल होने के बाद में हमको अच्छा एक शार्प बड़ा सेल देखने को मिल सकता था, बट नियरेस्ट ही सपोर्ट था इसलिए वापस वापस मार्केट होल्ड कर गया। तो यहाँ पे भी वैसे हो सकता है, अगर बाउंस करता है ऊपर में तो हम लोग देखेंगे कि हम होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है मार्केट, वापस ही अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो यहाँ से नॉन स्टॉप सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। ये हुआ ऊपर के साइड के लिए, नीचे और देखेंगे हम लोग डिटेल स्टडी। तो लास्ट फोर डेज हमने देखा, डेली चार्ट में भी वही दिखाई दे रहा है, लास्ट फोर डे हम लोग देख रहे हैं, तो हर गैप डाउन रोज हो रहा है, गैप डाउन के बाद में बाउंस देखने को हमको मिल रहा है। अर्ली चार्ट पे हम लोग देखे तो गैप डाउन होने के बाद में एक बायर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट फोर डेज से वही हो रहा है कि बायर फॉलो बाइंग दे पा रही नहीं है, बट इंट्राडे में संभाल ले रहे हैं बायर। गैप डाउन ओपन हुआ फ्राइडे में भी हमको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के बाद ही हमको यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुए और ऊपर में निकला, तो बायर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखे तो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, बार बार रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है, तो अभी के लिए हमारे लिए लेवल होंगे कि जैसे ही अभी ये आज का हाई ब्रेक हो रहा है फ्राइडे का 60 का, तो उसके 660-670 का ऊपर निकलता है तो इंट्राडे के लिए अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। तो पहला टारगेट होगा 33,800, सेकेंड टारगेट होगा 33,950 के टारगेट होंगे। 950 34,000 के ऊपर एक शार्प बाइंग देखने को मिलेगी, अगर 34,000 के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट या क्लोज भी आता है, फिर एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव होगा कुछ दिनों के लिए, जो कि 34,400 और 34,800 के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। डाउन साइड इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये रिवर्स होता है 34,000 से या फिर 800 से रिवर्स होता है तो हम लोग सेल नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे एक प्रीवियस स्विंग लो जो है वो ब्रेक होता है 33,400 का, तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। नीचे हमारे टारगेट होंगे 250 एंड 33,100, ये लास्ट प्राइस होगा 33,100, जहाँ पे बायर्स को होप कंटिन्यू रहेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल है ये, हमने फ्राइडे में भी डिस्कस किया था कि जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी हमने, जो कि ये लो और बाकी के अल्टरनेटिव तीन लो हमने कनेक्ट किए थे, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेना ही था, तीन टाइम ऑलरेडी टेस्ट था और उसके बाद में 4-5 दिन अच्छा खासा ऊपर में ट्रेड होके वापस से ये रीटेस्ट के लिए ऊपर में आ रहा, नीचे में आ रहा था, तो यहाँ पे टेस्ट हुआ लो और इमिडिएटली शार्प हमको
बाइंग देखने को मिली। अभी के लिए अगर नीचे आएगा ये, तो ये ऑलरेडी 4 टाइम टेस्टेड है, तो ये चार दो तीन कैंडल यहाँ पे लाइन के ऊपर बना के, सपोर्ट के ऊपर बना के ये इजीली ब्रेक कर सकता है नीचे में। और ये ब्रेक करेगा नीचे में तो हमारे लिए लेवल होगा 33,100 का। जैसे ही 33,100 के नीचे सस्टेन होता है तो फिर ये शार्प सेलिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी 32,800 और 32,500। फिर इस टाइम हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बायर्स ऑलमोस्ट 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं, थोड़ा सेलर ने पुश किया तो यहाँ पे सारे बायर्स के ओप निकल जाएंगे, बायर भी सेलर साइड में आ जाएंगे और सेलर ऑलरेडी सेलिंग साइड में होंगे, तो हमको एक मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड के लिए, जो कि ये लो ब्रेक करने के लिए नीचे आएगा मार्केट। तो लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं तो हम लोग वो अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। बायर्स ऑलमोस्ट 3-4 दिनों से ट्राई कर रहे हैं, अगर वो फेल होते हैं तो हमको जोर से सेलिंग देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का मंथली चार्ट हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा वीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक मंथली सपोर्ट था, फर्स्ट टाइम आया तो अच्छा खासा बाउंस हुआ है यहाँ पे। ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ये मार्च 2022 में आया, ये इस साल आया, यहाँ पे आया तो एक शार्प बाउंस देखने को मिला लोअर लेवल से। एक ही महीने में अच्छी खासी बाइंग हुई, बट फॉलो अप बाइंग नहीं आई, वापस से अपर लेवल रिजेक्शन हुआ। लास्ट मंथ हमने देखा मई में कि यहाँ पे वापस से लो टेस्ट हुआ, ऊपर में रिजेक्शन आया, नीचे में रिजेक्शन आया और ऊपर क्लोज हुआ। ये 2 महीने से लोअर लेवल रिजेक्शन देखने को मिला, बट सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि जहाँ से सेलिंग आ रही थी वहीं पे सीधा क्लोज आया अभी ये महीने में। तो ये थोड़ा सा निगेटिव है, लोअर लेवल से रिजेक्शन आया है, सपोर्ट फिर से होल्ड करने की कोशिश की, बट ये एक बाउंस के लिए हो सकता है। अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है और यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट करना है तो ये मंथ हमारा जो जुलाई चल रहा है अभी, इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा ऑलमोस्ट 16,500 या फिर 16,300 के ऊपर। तो एटलीस्ट इसको 50% से ज़्यादा कवर करना पड़ेगा और सस्टेन होना पड़ेगा, तो यहाँ से कुछ होप बनेगा कि ऊपर के साइड ये प्ले कर सकता है। अदरवाइज ये एक तो साइडवेज जाएगा या फिर ये कंटिन्यूएशन में नीचे आ सकता है। नीचे अगर आता है ये तो कहाँ तक आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 14,500 और 14,200 के पास। अब ये कब ब्रेक करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। इसके लिए आप डे बाय डे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे अकॉर्डिंग लेवल निकलेंगे, आपको डेली वीडियोस ट्रैक करनी होगी, देखनी होगी, तो आपको एनालिसिस भी समझ में आएगा और लेवल्स भी आप मोमेंट कैच कर पाएंगे। वीकली चार्ट हम लोग देखें तो सिमिलर पैटर्न के साथ नीचे आ रहा है ये, जैसे बैंक निफ्टी में डिस्कस किया हमने कि हाई, हर हाई से हमको फॉल देखने को मिल रहा है और लोज प्रीवियस लोज ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं ये महीने में। डेली चार्ट में देखेंगे हम लोग, डेली चार्ट इंटरेस्टिंग है कि प्रीवियसली जो रेड कैंडल बार बना था उसी के अंदर हमारा ट्रेडिंग चल रहा है। फ्राइडे को हमने देखा कि एक रिलायंस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था बिकॉज ऑफ न्यूज़, तो रिलायंस की वजह से निफ्टी नीचे आया, बट कुछ 4-5 स्टॉक थे जो मार्केट को खींचने में कामयाब रहे और निफ्टी का क्लोज ऊपर आया है, रिलायंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो ये पॉजिटिव साइन हुआ, थोड़ा लोअर लेवल रिजेक्शन देखने को मिला, बट ये एक विथ इन द रेंज है, तो विथ इन द रेंज बहुत सारे पॉजिटिव साइन हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट फॉलो अप हमको बाइंग देखने को नहीं मिली। तो अभी के लिए हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट हो गए, तो जैसे ही अभी ये ऊपर में जो हम लोग ऑलरेडी लेवल्स ट्रैक कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल 900 का होगा ये इसके लिए, बट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 800 क्रॉस करते हैं हमारे 850 और 900 के निफ्टी में टारगेट होंगे, तो वो प्ले कर सकते हैं। पोजिशनल के लिए 900 के ऊपर निकल रहा है तो फिर यहाँ से हमको 16,150 के टारगेट देखने को मिलेंगे। डाउन साइड देखेंगे हम लोग कि डाउन साइड जैसे ही अभी ये प्रीवियस सपोर्ट स्विंग लो है जो कि 640 के पास बना है, तो 640 जैसे ही ब्रेक करेगा नीचे में तो ये एक छोटा ट्रेड एक हमको मिल सकता है 500 तक के 15,500 ब्रेक होगा तो और भी एग्रेसिवली सेलर एक्टिव होंगे और यहाँ से हमको नीचे प्रीवियस लोज टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। वो जोन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की यहाँ पे तो ये सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो ये ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा और प्रीवियस स्विंग लो का भी ब्रेकडाउन होगा, तो मार्केट निगेटिव रहेगा। ये जोन में थोड़ी वॉलेटिलिटी हमको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस जोन जो है ये सप्लाई जोन, यहाँ पे निगेटिव कैंडल सिक्स बन रहा है तो ये नीचे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल सिक्स बन रहा है तो थोड़ा बाउंस करने की कोशिश करेगा, बट बायर्स हमने देखा कि हर गैप डाउन हो रहा है, यहाँ पे बायर ऊपर जा रहे हैं, गैप डाउन वापस बायर ऊपर जा रहे हैं,
एक वापस फॉलो अप आया, यहाँ पे गैप डाउन रिलायंस की वजह से नीचे आया, वापस बायर्स ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से हमको यहाँ पे बायर्स एक्टिवली परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखना होगा कि फॉलो अप बाइंग आता है कि नहीं। अगर गैप अप ओपन होता है ये रेंजेस के ऊपर, 900 के नीचे ही ओपन हो रहा है, तो आपको सेलिंग का फेयर रहेगा, वेट करना पड़ेगा हमको। 900 के ऊपर निकल रहा है तो फिर हमारे लिए अच्छा बाइंग बनेगा कुछ समय के लिए। नीचे निकल रहा है तो वो अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। चलिए स्टॉक्स देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस स्टॉक ऑफ द फ्राइडे था, तो यहाँ पे हमने देखा कि 7% फ्राइडे को अच्छा खासा गिरा है। न्यूज़ थी इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6-7 दिनों का जो गेन था, 7-8 दिनों का, तो ये एक ही दिन में निकल गया, 7% स्टॉक गिरा। और मंथली चार्ट हम लोग देखें तो मंथली चार्ट में इंडिसीजन था, स्टॉक में कोई खास मूवमेंट नहीं था, बट एक ही दिन के मूवमेंट ने प्रीवियस 2 महीने के लो ब्रेक किए। वीकली चार्ट हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि वीकली चार्ट पे डबल टॉप पर टाइप पैटर्न बना है, अच्छा खासा ट्रेंडिंग हो चुका है स्टॉक, एक फॉल एक वापस से एक बाउंस देखने को मिला। ये एनालिसिस का पार्ट है कि जैसे कि हमने देखा कि एक रैली हुई, वापस एक बेस बना, रैली हुई, वापस एक बेस बना, रैली, उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए था, एक साइडवेज रेंज या फिर वापस से अपसाइड मोमेंटम, ये पॉजिटिव ट्रेंड के साइन है। बट हमने देखा कि यहाँ पे प्रीवियस हाईस ब्रेक नहीं हुआ, ये फर्स्ट साइन होता है कि आइदर मार्केट साइडवेज जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बन रहा है, तो टॉप्स बने हैं, बट कंफर्मेशन अभी बाकी है। 2400 नीचे में देखेंगे, मृत्यु 2280 2375 के सपोर्ट है, यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो कन्फर्मेशन हमको मिल जाएगा। तो जैसे ही 2375 2380 ब्रेक कर रहा है नीचे में, हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे, तो हमारे टारगेट होंगे नीचे में 2340 और 2250 के हमारे टारगेट होंगे। अगर ये होल्ड कर जाता है, सस्टेन कर जाता है स्टॉक, तो फिर ये साइडवेज में कंटिन्यूशन में जा सकता है। ऊपर में हम लोग देखे तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे में ये वापस से एक साइडवेज रेंज, ब्रॉडर रेंज में घूम सकता है। तो फिलहाल के लिए तो निगेटिव है, स्टॉक पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक में बाय करूंगा 2580 2600 के ऊपर ही, या फिर इसको मोर देन 50% में कवर होने दूंगा, तो ही हम बाय के लिए प्लान करेंगे। भले ही इसमें थोड़े से बाउंस आ सकते हैं, क्योंकि 7-8% हमको ये शार्प फॉल हुआ है, तो ट्रेडर्स लोग सोचेंगे इन्वेस्टर की यहाँ पे बाय करना चाहिए, बट ओवरऑल निगेटिव सिम्टम्स है, निगेटिव सेंटिमेंट है, तो इसको बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो देखेंगे हम लोग वीकली, तो वीक है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5-6 वीक से यहाँ पे हमको स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है स्टॉक। 2 वीक ऊपर जाने की कोशिश की, 3 वीक नीचे सेलिंग हुआ है, स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई वोलेटिलिटी फेस कर रहा है। तो नीचे में हम लोग देखेंगे हाई चांसेस है कि नीचे ब्रेक करें। नीचे में जैसे ये 3500 3592 ब्रेक कर रहा है नीचे में, तो हमारे 100 100 रुपये के नीचे टारगेट होंगे सीधे 3390 के नीचे, 3490 और 3390 के हमारे टारगेट होंगे यहाँ पे। सो 100 रुपये जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रहा है, वही कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। विप्रो इंटरेस्टिंग लेवल पे है। विप्रो हम लोग देखे तो मंथली सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ से एक फर्स्ट बाउंस देखने को मिल सकता है, फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेली चार्ट पे भी पॉजिटिव कैंडल स्टिक्स है। तो जैसे ही अभी ये ऊपर में 423 ब्रेक कर रहा है, तो हमारे टारगेट होंगे 430 और 440 के हमारे टारगेट होंगे। सो लेवल अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।